नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद। उज्जैन में रिश्तों को तार तार करते हुए पिता ने ही अपनी नाबालिग बेटी को हवस का शिकार बनाया। वहीं युवक ने जंगल में ले जाकर युवती के साथ दुष्कर्म किया। नानाखेड़ा थाना इलाके में बीती रात सोतेले पिता सिद्धू ने 12 साल की नाबालिग को घर में अकेला पाकर बलात्कार किया। किशोरी ने अपनी माँ को घटना की जानकारी दी। अन्नपूर्णा नगर का है, जो शेरे पंजाब होटल है, उसका जो मैनेजर है सिद्धू सिंह देवड़ा, उसने अपनी एक दूसरी पत्नी, पहली पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी अन्नपूर्णा नगर में रख छोड़ी है, और उसकी सौतेली बच्ची है, उसकी उम्र करीब, वो भी नाबालिग बालिका है 14 साल की, वो अपनी होटल पे से उसको रात में ले गया करीब 11:30 बजे, और उसके घर में उसकी माँ नहीं होने के कारण दो छोटे भाई थे, उसी समय उसने वहाँ पे उसके घर में गंदा काम किया उसके साथ में। उसकी रिपोर्ट पर भी सिद्धू सिंह देवड़ा के खिलाफ 376 और पास्को एक्ट के दोनों मामलों में धारा लगाई गई है। वहीं महानंदा नगर में रहने वाली नाबालिग अपने भाई को स्कूल छोड़कर लौट रही थी, तभी अज्ञात बाइक सवार नाबालिग को बहला फुसला कर सुनसान इलाके में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म कर फरार हो गया। पुलिस ने दोनों मामलों में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। एक नाबालिग बालिका है जो अपने छोटे भाई को छोड़कर अपने स्कूल से महानंदा तरफ घर की तरफ जा रही थी, उसे एक अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल पर मिला और उसे इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ ले गया, इंदौर रोड की तरफ, और वहाँ उसके साथ बहला फुसला कर कि वहाँ खाने, बच्चियों का खाना है, उस हिसाब से ले गया और उसके साथ जंगल में ले जाके उसने गलत काम किया। उज्जैन से सुदर्शन सोनी की रिपोर्ट, न्यूज़ आज। इस खबर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।